पुलिस थाना सागौर पर एक परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी और मेरे रिश्तेदारों की नाबालिग लड़कियां, जो मेरा लड़का कुणाल, अपनी मोटरसाइकिल से सागौर तरफ कचरा पन्नी भंगार बीनने के लिए छोटी सागौर नदी नीलकंठ मंदिर के पास छोड़कर गया था, वो शाम को वापस घर नहीं आई। जब उनकी तलाश आसपास के क्षेत्र में की गई, कोई पता नहीं चला, जिससे पुलिस थाना सागौर पर आकर सूचना दी है, जिसकी रिपोर्ट पर से थाना सागौर पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त घटना की सूचना को पुलिस अधीक्षक धार आदित्य प्रताप सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार देवेंद्र पाटीदार द्वारा बड़ी गंभीरता से लेकर उक्त नाबालिग लड़कियों को अविलंब बरामद करने हेतु दिशा निर्देश नगर पुलिस अधीक्षक पीथमपुर तरुणन सिंह बघेल को दिए गए। इस पर नगर पुलिस अधीक्षक पीथमपुर के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उक्त अनुसंसाधन को थाना प्रभारी राजन सिंह भदौरिया को स्वयं द्वारा करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें नाबालिग बालिकाओं को छोटी सागौर के पास सीसीटीवी कैमरों में देखा गया, जिसके आधार पर उक्त चारों नाबालिग बालिकाएं सागौर तरफ जाते हुए दिखाई दी। पुरानी जानकारी के आधार पर एक टीम महाकाल उज्जैन के लिए रवाना किया गया था। शिप्रा नदी के घाटों पर तलाश करते रामघाट पर उक्त चारों बालिकाएं बैठी हुई दिखाई दी। उक्त बालिकाओं से पूछताछ की गई, जिसके द्वारा बताया गया कि हम कार्तिक का मेला देखने घर वालों को बिना बताए आ गए थे। सागौर पुलिस द्वारा इस घटना को चुनौती पूर्वक लेकर कार्य किया और मात्र 36 घंटों में उक्त बालिकाओं के नाम मिलने से उनके परिजनों का लगातार रो रो कर बुरा हाल हो गया, जिसकी दस्तयाबी पर उनके द्वारा खुशी व्यक्त की और पुलिस का धन्यवाद दिया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।